अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो एक बड़ा केस था, फैज़ाबाद धरना केस, जो असल में जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा खिलाफ़ रेफरेंस की वजह बना, आज उसके नज़र सानी की अपील मुकर्रर हुई। और अपील का मुकर्रर हुई जो दरख्वास्त थी, वो जितने दरख्वास्त गुजार थे वो विड्रा किए जा रहे थे, वजारत दिफा यानी कि फ़ौज और आईएसआई और इसी तरह हुकूमत, आईबी, पैमरा, उन्होंने पीटीआई, बल्कि पीटीआई ने तो कहा कि हम फैसले को मानते हैं, बड़ा कानूनी फैसला था। तो उस सब के ऊपर यहाँ तक कि जस्टिस जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ हैं उनको पूछना पड़ गया कि सब डर क्यों रहे हैं, क्या हुआ है। और उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया ऑर्केस्ट्रा का, जिसमें होता है कि वो सब म्यूजिशंस धुने बजा रहे थे, सामने एक शख्स वो उनको डायरेक्शन दे रहा होता है छड़ी पकड़ के। तो जस्टिस कादी फ़ाइज़, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ने पूछा कि क्या ये ऑर्केस्ट्रा था पहले कि सबको एक ही जगह से ऊपर से हुक्म आया तो सब नज़रसानी में आ गए, अब भी कहीं से हुक्म आया तो चले गए, आप लोगों को बताएं, कम से कम एतराफ़ तो करें तो कि किसी ने थमाई थी ये नज़रसानी की दरख्वास्तें आप लोगों को, और आप लोग पहुंच गए थे और अब किसी ने कहा है तो अब सब लोग विड्रा करने आ गए हैं। और जो इसके बाद जो अटॉर्नी जनरल है उससे उनसे भी पूछा गया कि आप लोगों ने फैसले पर अमल दरामद किया है। तो अब अटॉर्नी जनरल ने जो सबसे दिलचस्प बात है और अहम बात है, उन्होंने अदालत को यकीन दहानी करवाई है कि वो अगले एक माह में फैसले पर अमल दरामद करके रिपोर्ट जमा करवाएंगे। यानी कि अमल दरामद का मतलब तो फिर यही है कि कार्रवाई इस फैसले के तहत जो हुक्म दिया गया, जो कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ने करार भी दिया कि जो हुक्म होता है वो ऑप्शन नहीं होता कि आपने उस पर अमल करना है कि नहीं, हुक्म बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट का जिस पर अमल दरामद होना है। तो क्या फिर वो अमल दरामद का मतलब है कि साबिक DGSI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, साबिक DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल अजहर नवीद हयात उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, और मौजूदा कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर के ख़िलाफ़ कार्रवाई, इस सब पर बोलते हैं, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जो साबिक चेयरमैन पैमरा और सीनियर सहाफ़ी हमारे सबके सीनियर हैं, अफसार आलम साहब मौजूद हैं, हसन अयूब हैं बाखबर सहाफ़ी, उनको भी हम ज़रा कुरेदते हैं कि ये किस तरफ वो जाता देख रहे हैं। क्योंकि अफसार साहब से मैं स्टार्ट लेना चाहूँगा, अफसार भाई आपके बारे में चीफ जस्टिस ने, मुझे लगा कि उन्होंने आपका नाम लिए बगैर ऑब्जर्वेशन भी दी, उन्होंने कहा कि कोर्ट में अभी तक नहीं आए तहरीरी अपनी आप लेके बात, लेकिन आपने TV इंटरव्यूज़ में बात की है तो हमारे सामने रखें फिर हम सुनेंगे, तो क्या अब आप कोई तहरीरी जवाब देने जा रहे हैं, और क्या किस बारे में आपके वो इशारा कर रहे थे आपने जो मतीला जान साहब और कयूम सिद्दीकी साहब को इंटरव्यू दिया? जी मेरा ये ख्याल है, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया इसलिए मैं सिर्फ अज्यूम ही कर सकता हूँ कि वो इसी तरफ उनका इशारा था मुनीज़ जहांगीर से और अब कयूम सिद्दीकी और मतीला के साथ जो मेरी बात हुई है। एक्चुअली हुआ यह कि ये केस, इसका फैसला 2019 में आया, मैं उन दिनों बहुत मुश्किल हालात में से गुजर रहा था, मैं सिर्फ, मुझे हर तरफ पाबंदी थी, कोई मैं किसी TV चैनल पर या अखबार में न लिख सकता था न बोल सकता था, तो मैं सिर्फ ट्वीट करता था। मैंने ट्वीट्स के ज़रिए फैक्ट्स बयान किए थे उस वक्त, जिसमें मैंने ये भी लिखा था कि जनरल फैज़ का क्या रोल था इस सारे धरने में पैमरा की तरफ। तो उसके बाद 5-6 दिन बाद उन ट्वीट्स के बाद मुझ पर हमला भी हुआ, कातलाना हमला हुआ जिसमें अल्लाह ने जान बचाई। तो मैं उसमें था, उसके बाद ये केस 4 साल सुना नहीं गया, तो इसलिए मैं क्या कर सकता था। अब आके अचानक इसकी रिव्यूपिटिशन बाहर आई है, तो दोबारा जो उसके फैसले के कंटेंट्स थे वो सबके सामने आए हैं। उस पर मतीला ने मुझे भी कांटेक्ट किया, उसने कहा तुम कैमरा में थे, तुम इस पर बात करो, बताओ क्या सच था। तो मैंने बताया, उसकी बुनियाद पर वो शायद आज उन्होंने ये बात कही है, और मुझे मेरा ख्याल है उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा एनी वन हु वॉन्ट्स टू से समथिंग, उन्होंने कहा है कि जो ट्रूथ है इट सेट्स यू फ्री, तो आई वॉन्ट टू सेट माई सेल्फ फ्री एंड आई वॉन्ट टू सेट एवरी वन अराउंड इंक्लूडिंग दी जुडिशरी फ्री थ्रू दिस ट्रूथ विच इज़ विद मी। और अब उन्होंने कहा कि इन राइटिंग दें, मैं तो खड़ा हुआ था कि मुझे आप अगर मौजूद बेंच से सुनना है तो सुन लें, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने नहीं सुनना चाहते, तो वो इन राइटिंग मैं इंशाल्लाह अब इस पर दूँगा, और जो भी हकायक होंगे मैं वो बयान कर दूँगा, क्योंकि वो हकायक मेरे पास अमानत हैं कौम की और अपने ज़मीर की और अल्लाह की। अच्छा अब सर भाई एक चीज़ आप भी बताएंगे, वैसे आपने
अब उन्होंने अमल दरामद का कहा है, अमल दरामद अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि एक महीने में करेंगे, लेकिन जब आप चेयरमैन पैमरा थे तो उस वक्त तो ये फैसला आ गया था या उसके बाद में सुना था? मैं चेयरमैन पैमरा जब था, लेकिन आप धरना हुआ था, धरना वाकयात उस वक्त आपने उस वक्त इन वाकयात के ऊपर कोई एक्शन लिया था जनरल के खिलाफ 92 या दूसरे जो कुछ चला रहे थे, क्या आपने कुछ वक्त कोई एक्शन लिया था उनके खिलाफ? यही मेरी बात थी जो मैंने क्यूम सदीकी और उसके मतियुल्ला के प्रोग्राम में की कि फैसले में ये लिखा गया है कि चैनल 92 के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया और डॉन और जियो को बंद कर दिया गया केबल पे और उस पर भी पैमरा ने कुछ नहीं किया। मेरी ये प्ली है कि जिस वक्त तक मैं चेयरमैन था 18 दिसंबर 2017 तक और धरना नवंबर 26-27 को था 2017 को, तो उस वक्त मैं चेयरमैन था और उसमें हमने चैनल 92 के ख़िलाफ़ भी कानून की खिलाफ वर्जी पे एक्शन लिया, प्रोसेस के ज़रिए लिया और डॉन और जियो को बंद नहीं कर सके जनरल फैज़ अपनी पूरी कोशिश के बावजूद के वो बंद करना चाह रहे थे, मेरी मौजूदगी में बंद नहीं कर सके क्योंकि आपको क्या डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे थे कि बंद करने हैं? जी डायरेक्टली कम्युनिकेट हो रहा था, जनरल फैज़ हमीद कर रहे थे, जनरल फैज़ हमीद भी कर रहे थे, उनके साथ ब्रिगेडियर इरफान रामे थे, कर्नल लियाकत थे, तो ये तो हर वक्त असाब पे सवार रहते थे ना। धमकियां भी देते थे बंद करने? जाहिर धमकियां मैंने तो आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ऑडियो कॉल भी चलाई थी, तो अब आप सोचिए कि एक सरकारी इदारे के कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहा हो एक सर्विंग मुलाजम सरकार का, सर्विंग जनरल, सर्विंग मुलाजम ही है ना, जनरल भी तो मुलाजम ही है ना सरकार का, तो वो कितनी नामुनासिब बात है। तो वो उस वक्त जाहिर है रेजिस्ट मैं भी तो सरकारी उसी रेजिस्टेंस की कीमत आपने फिर चेयरमैन पैमरा से हटाने की सूरत में वो इट्स अ स्मॉल प्राइस, आई वुड पे 10 times मोर, आई डिड, गोली भी खाई इवन मोर, अल्लाह मैंने आपको ज़िंदगी दी। सही रास्ता, मेरा मुल्क है, मेरा वतन है, इस पे मेरी की जिम्मेदारी थी पब्लिक सर्वेंट होते हुए, वो मैंने अपने अल्लाह को और ज़मीर को और आइन और कानून को जवाबदेह होते हुए पूरी करनी थी, किसी के साथ ज्यादती ना करवाया अल्लाह कभी भी, अगर हुई है तो मैं माजत खाऊं, लेकिन जो कानून और आइन ने दिया उसके मुताबिक चलना था। मैं किसी का ज़ाती मुलाजम नहीं था वहाँ पे, ना किसी जनरल फैज़ का, ना किसी वज़ीर-ए-आज़म का। अगर किसी के दिल में यह है कि मैं किसी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की गेम वहाँ कर रहा था, ऐसा भी साबित, मैं 6 साल से बाहर हूँ ना, कुछ कर देते अगर कुछ ऐसा होता, तो मैं तो अपने अल्लाह और ज़मीर को जवाब देता, तो इसलिए मेरे लिए ये जर्नैल अगर गैर कानूनी गैर आइनी काम का मुझे कहेंगे तो मैं नहीं करूँगा। हाँ कानूनी आइनी काम हो तो हाजिर है, लेकिन यही झगड़ा था वो अपना, आपको अब तो सब बातें जाहिर हो गई हैं ना कि वो प्लान था, साजिश थी, प्रोजेक्ट इमरान खान थी और उन्होंने वो अपना वो बादशाह घर बनना चाह रहे थे, उन्हें तकलीफ ये थी कि अब सार हमारी पॉकेट में क्यों नहीं है, तो धरने की जो पहली कैजुअल्टी तो मैं बनाऊँ, उसके बाद फिर काजी फायजी साहब की बारी आई और दूसरों की बारी आई है, क्योंकि फैसला उनका बाद में आया, आपका फैसला पहले आ गया, मेरा फैसला पहले आ गया था, ये बात है, ये बात उसके बाद उस फैसले जो हमने किया धरने के दौरान, तो फिर डे टू डे बेसिस पे मेरे खिलाफ केस शुरू हुआ। आप ये बताइएगा कि देखें चलें वो तो हो गया, लेकिन आप ये देखें कि अभी आपको क्या उम्मीद है इस फैसले से कि जब अमल दरामद होगा तो एक मरकजी किरदार है जनरल फैज़ हमीद, आप क्या समझते हैं कि जनरल फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक क्या सज़ा बननी चाहिए, क्या सज़ा होनी चाहिए? और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के हवाले से आज चीफ जस्टिस ने बात की थी कि हम नहीं कह रहे कि हम उनको सज़ा देंगे, जो इदारे हैं मुतलका इदारा वो खुद सज़ा दे, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं मुतलका इदारे से कि वो क्या सज़ा देंगे जनरल फैज़ हमीद को? क्योंकि चीफ जस्टिस ने एक सिर्फ रिमार्क साइड कर दूँ, उन्होंने कहा भी, उन्होंने कहा खादिम रिजवी को करनी चाहिए थी, उसने नहीं की बल्कि उसने एतराफ़ किया, उसने कहा आप भी गलती का जरा एतराफ़ तो करें, तो क्या वो देखिए वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, जरा इसमें से बताइए आपकी क्या उम्मीद है, क्योंकि देखिए ना आप एग्रीव पार्टी हैं, आप एग्रीव्ड है ना, आपके साथ उन्होंने जाति की है जनरल फैज़ हमीद ने, तो एक तो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा होगा, वो तो छोड़ा ही छोड़ा, बिल्कुल मैंने अपना जाति मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, लेकिन एक कार्य सरकार में मुदाखलत, दीगर इशूज जो हैं, अब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के बारे में चीफ जस्टिस कह रहे हैं, तो क्या सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कर सकता है दारा जनरल फैज़ हमीद? देखिए पहली बात तो आपने उम्मीद की है ना, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और जब अपनी धरती हो, अपने लोग यहाँ रहना है, इसको बेहतर करना है, तो उम्मीद छोड़ेंगे तो ये बेहतर नहीं कर, अपने कंट्रीब्यूट हर बंदा करता है, हम नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात ये है कि जो गैरतमंद इंसान होता है ना, और जो अपने ज़मीर और आइन और कानून के मुताबिक सरकारी मुलाजम काम करते हैं, उनको अपनी साख की, अपने नाम की बड़ी फिक्र होती है, इदारे को तो छोड़ दें, इदारे की साख तो उससे भी बड़ी बात है ना। मेरा देखें, मेरा नाम नहीं आया फैसले में, मेरे सिर्फ ये कहा गया कि पैमरा ने उस वक्त अपना काम नहीं किया, मेरे वो 2-3 महीने बनते हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, मुझे इतनी तकलीफ़ हुई इस बात की कि मैं खुद मैं बोला हूँ
टीवी पे जाके मैं खुद आ गया हूँ यहाँ अदालत के सामने कि मैं हाज़िर हूँ, अगर आपने मुझसे पूछना है कुछ पूछें, मेरी तफ्तीश करनी है करें, मुझे ज़िम्मेदार ठहराना तो ठहराएं, मैं हाज़िर हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जनरल फैज़ को भी अगर गैरत है, अगर उसको अपनी साख की फ़िक्र है, और अगर उसको उस यूनिफॉर्म जिस जो उस वो पहनता रहा 35-40 साल, उस यूनिफॉर्म की हुरमत का और उस उन शहीदों के खून का जिन्होंने इस धरती के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी या अपने लिम्ब्स कुर्बान कर दिए, उन सब की इज्जत के लिए जनरल फैज़ को चाहिए कि वो खुद वॉलंटियर करे और आगे आए कि मैं हाज़िर हूँ, मैंने ये गलतियाँ की हैं, आप मुझे माफ़ कर दें या मुझे सजा दे दें। ये होती है मर्दानगी, ये होती है गैरत, और ये होती है आप जो किसी मैन ऑन द हॉर्स बैक जो होता है ना, उससे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं। ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप छुपते फिरें कानून से, आइन से, दीवारों के पीछे तहखानों में, ये ना करें। तो मैं ये समझता हूँ उन्हें खुद ये करना चाहिए, उन्हें अपने इदारे को इस मुसीबत से बचाना चाहिए, और उन्हें और जनरल कमर जावेद बाजवा को भी ये चाहिए कि उन्होंने जितना इस मुल्क पे 6 साल अपनी डॉक्ट्रिन चलाई और जो हाल कर दिया इस मुल्क का, और फिर मेजर जनरल इरफान मलिक हैं जो DGC थे उस वक्त, और फिर जो मैंने और ब्रिगेडियर राम का, कर्नल लियाकत का, फिर जनरल आसिफ गफूर का, जनरल आसिम सलीम बाजवा का, ये सब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। जनरल ज़हीरुल इस्लाम हैं, जनरल पाशा हैं, ये कुछ लोग हैं ना, इन लोगों की वजह से पूरा इदारा अगर तनकीद की जद में है, तो मेरा ख्याल है कि इनको अपनी ली हुई तनख्वाह वहाँ की हलाल करनी चाहिए, वहाँ की पेंशनें, वहाँ के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो हलाल करने चाहिए, जिस तरह मैं अपनी पैमरा से ली हुई तनख्वाह हलाल करने के लिए आज यहाँ पे आके खड़ा हूँ, और मैं हाज़िर हूँ अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए और अपनी जवाबदेही के लिए कि मैंने किया काम या नहीं किया। अच्छा हसन, लेकिन आप जी क्या खबर रखते हैं कि क्या अगर यहाँ से अमल दरामद का कहा गया है, अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि हम 1 महीने में अमल दरामद करके रिपोर्ट देंगे, उस 1 महीने में जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई देख रहे हैं? यार देखिए, बड़ी सिंपल बात है ना, पहले तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मट्टी पाओ नहीं चलेगा, आज चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कह दिया जस्ट काजी फैसा साहब ने कि जी मट्टी पाओ प्रोग्राम नहीं चल सकता, चाहे वो 12 मई वाला वाकया है, चाहे ये फैज़ाबाद धरना है। अब बुनियादी तौर के ऊपर बात बड़ी क्लियर आ चुकी है कि ठीक है, ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद सजा नहीं देगी जनरल फैज़ हमीद को, या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सजा नहीं देंगे जनरल फैज़ हमीद को, उनको अगर सजा होनी है तो वो उनका इदारा ही, पेरेंट जो डिपार्टमेंट है वो देगा। सर डेफिनेटली देना पड़ेगा, अब ऑर्डर इन फील्ड है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, जहाँ पर जो है वो कमिटमेंट दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच के सामने खड़े होकर, तो आपको क्यों शुबा है कि वो नहीं करेगा? देखें एक बात आपको बता दूं, आप कोर्ट मार्शल देख रहे हैं, जो सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल थे ना, एक उसकी बलि चढ़ा दी लाहौर वाले कोर कमांडर जी, उसके अलावा 2 मेजर्स गए, फिर पता नहीं कितने 1 स्टार गए, फिर कितने कर्नल, कितने जो है मेजर्स गए, तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी तो स्टार्ट है। यानी 9 मई के वाकयात जो हुए उसमें आप देखेंगे सबसे पहले सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हुई है, वो उसके बाद हसन भाई, लेकिन वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी उस वक्त हुई जब इदारे के अपने पर हमला हो गया, ये आईने पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत पर हमला था, इस पर इदारा कार्रवाई करेगा? क्योंकि देखें कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो कि जनरल फैज़ हमीद वो अपने उस टाइम अपने आप को ना वो किसी और हवा में मौजूद थे, इस बात को अफसार भाई भी जो है ना सेकंड करेंगे, मुझे यकीन है। होता यह है कि जनरल फैज़ हमीद वॉज अ डूअर, अपने आप को डूअर कहता था, किसी को पैसे दे के काम कराना है, किसी से कोई दबा के काम करवाना है, किसी से क्या करना है, किसी को कोई आपने लिक्विडेटिव किस्म की ऑफर कर देते थे, वो काम करते थे। तो बेसिकली ये जो TLP का धरना सब कुछ जो उनका ब्रेन चाइल्ड था, मैं बता रहा हूँ कि ये जनरल फैज़ हमीद का ब्रेन चाइल्ड था, उस टाइम ये DGISI नहीं थे, बींग अ DGC वो ऑपरेट कर रहे थे ये तमाम चीज़ें। और फिर आप देखेंगे बाद में जाकर जनाब जब एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर वो कितना कहते हैं कि वो फियरलेस आदमी था कि जाकर उसने साइन भी कर दिया एग्रीमेंट के ऊपर, वो एग्रीमेंट के ऊपर साइन देखे ना आपने। तो जनरल फैज़ हमीद ही के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, इवन के वो जो मेजर जनरल साहब थे रेंजर्स वाले, वो भी इसी के प्रेशर की वजह से ये हुआ था। मैं बता रहा बच्चे भी तो नहीं, ये कह रहा हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, मैं किसी सिपाही को देखे बता रहा हूँ यार, देखें आपके सामने टॉप सिटी के ऊपर नहीं करा दिया था उन्होंने रेड, रेंजर से करवाया था ना, तो बाद में रेंजर्स वाले जो है वो कह रहे थे कि जी हमने तो नहीं, हमने तो जनाब DGC के कहने पर किया है, और DGC कौन था उस जमाने में? फैज़ हमीद था। तो फैज़ हमीद का इन्फ्लुएंस था भाई, ऐसी बात ना करें, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, हर जगह का डिप्टी आर्मी चीफ था, DGC होते हुए वो सब कुछ वो कर रहा था। मुझे बताएं उनका फिर अब कोर्ट मार्शल होगा इस सब पर? यार कोर्ट मार्शल होना चाहिए,
या जो भी कानून के मुताबिक सजा उनकी बनती है। तो अफसार भाई भी यही कह रहे हैं, हम भी यही मानते हैं, अदालत भी यही कह रही है कि हमने अदारे का मौका दिया। होगा असद के होगा, होगा मुझे उम्मीद है। मैंने आपको बताया मैं उम्मीद नहीं छोड़ता और होगा। अगर जनरल फैज चेन ऑफ कमांड के खिलाफ काम कर रहा था तो तब भी होना चाहिए, अगर चेन ऑफ कमांड के जरिए कर रहा था तब भी होना चाहिए। इस लेवल पे इतनी गैर जिम्मेदारी नहीं हो सकती कि आप पूरे मुल्क को उल्टा पुल्टा दें। ये मुल्क किसी का जाती जागीर नहीं है, ये किसी आइन और कानून के तहत काम करता है। तो मेरा मैं मुझे उम्मीद है कि ये इतने बड़े मुल्ज़िम के खिलाफ जरूर जनरल आसिफ गफूर के खिलाफ भी होगी, जनरल आसिफ गफूर कमांड कोर्ट है सर्विंग। मुझे अफसोस इस बात पे है कि हम ये सवाल पूछते क्यों हैं। या तो हम समझें कि ये सब लोग आइन और कानून से अबव हैं, या कह दें हम कि जी ये अबव तो रहे हैं अब सर में, जी बिल्कुल रहे हैं, तो क्या ये ऐसे ही रहना है, ऐसे ही चलाना है? तो फिर पिछले 6 साल 3 महीने से जो हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क में चल रहा है उसकी वजह से इस मुल्क की जो हालत आज हो गई है और जितनी महंगाई और मईशत तबाह हो चुकी है और हमारे फॉरेन रिलेशंस ख़राब हो चुके हैं, तो फिर ये चलाते रहें। फिर आप अबव द लॉ करें सबको, एक तबके को कह दें अबव द लॉ है और बाकी बिलो द लॉ है, फिर ठीक है। अब सर भाई चलते चलते ज़रा वो टॉप सिटी की कहानी आज व्यूवर्स को अपनी ज़ुबानी भी सुनाएं, आपने लिखी तो सारी थी, वो लंबी कहानी है। बस ये था कि जनरल फैज़ जो थे और उनके भाई एक पटवारी थे, वो उन्होंने कोई मंसूबा बनाया, उस टॉप सिटी की प्रॉपर्टी की ओनरशिप में कोई झगड़ा था, तो जो मालिक उस वक्त था उसके घर में ये रेंजर्स लेके रात को घुस गए। इन्होंने ऑर्डर किया, खुद तो घर नहीं थे, इन्होंने ऑर्डर किया, उस मालिक को बांध लिया, बांध के उसको वहीं बच्चों को भी और बच्चे भी वहाँ बुज़ुर्ग भी थे वहाँ से उसके घर से सारा सामान ले गए, कीमती सामान जिसमें करेंसी थी बहुत ज़्यादा, जिसमें हीरे जवाहरात थे। और ये उनका इल्ज़ाम है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में भी आया है। तो वो फिर उनको ले गए और फिर उनको ले जा के किसी सेफ हाउस के तहखाने में उन पर टॉर्चर करते रहे कि आप इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके ये हमारे नाम कर दें प्रॉपर्टी किसी और के नाम। पूरी टॉप सिटी बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, हज़ारों कनाल शायद उसमें ज़मीन है। तो ये हुआ था और यहाँ पर ख़बर फैला दी कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। तो देखें आप, यूनिफॉर्म की इज़्ज़त है, हम सब लोग करते हैं और इन इसी यूनिफॉर्म को पहन के हमारे जवान सरहदों पे शहादतें देते हैं, लेकिन उसी यूनिफॉर्म को पहन के अगर कोई इस तरह मुजरमाना कार्रवाइयाँ करें, डाके मारे, थोड़ा सा ट्विस्ट है, डाके मारे, तो वो फिर यूनिफॉर्म की जो इज़्ज़त है वो ख़राब होती है सबके लिए। इसलिए मैं ये समझता हूँ जिस तरह मीडिया में हमें चाहिए कि हमारे अंदर जो कोई करप्शन करता है उसको हम डिफेंड ना करें, इसी तरह फ़ौज और अदलिया को भी चाहिए कि उनके अंदर जो करप्ट एलिमेंट्स हैं उसको डिफेंड ना करें बल्कि उसको वो कानून के हवाले ख़ुद करें। अच्छा, लेकिन टॉप सिटी पे थोड़ा सा इशू पता को बताऊँ मैं, वो जो खातून है ज़ायदा जावेद, उनकी बेसिकली ये मलकियत थी, ये तो उनके पास मुलाजम थे जो कंवर मुइज़ हैं, मुलाजमत करते थे, इनको सैलरी मिलती थी, फिर कुछ सम हाओ को गिफ्ट डीड ले ली। अच्छा आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान का कानून मुझे मालूम नहीं कि गिफ्ट डीड आप पूरी प्रॉपर्टी दे सकते नहीं दे सकते, ये डायनेस एसोसिएट था, डायनेस एसोसिएट के अंदर एक बुके है ना, उसमें मुख्तलिफ कंपनीज थी, ये पूरी की पूरी डायनेस एसोसिएट उसने गिफ्ट ले ली, और गिफ्ट लेकर किससे ली, ज़ायदा जावेद से, को ब्लैकमेल करके उसको। अच्छा अब मज़े की बात यह है कि जो इस्लामी कानून है उसमें मैक्सिमम कोई बंदा किसी को, अगर मैं अपनी औलाद को भी गिफ्ट करना चाहूँ ना अपनी ज़िंदगी में, तो मैं 1/3 से ज़्यादा गिफ्ट नहीं कर सकता, मैं 1/3 से ज़्यादा गिफ्ट नहीं कर सकता। तो वो कुछ उस किस्म की चीज़ कमज़ोरी मौजूद थी, वो कानूनी मतलब का किरदार कहा अंदर, तो कमज़ोरी तो मौजूद थी ना, पता तो था उसको, उसको पता था कि इसके पांव कच्चे हैं, जब उसको पता लगा पांव कच्चे हैं तो उसने कहा जी मैं हथियार लूं कुछ अपना बनाऊं, तो फिर क्या किया उसने जब उस पर रेड किया कर करा कर, फिर ये सारी सोसाइटी उसको दी जो उसके डॉक्यूमेंट्स में कमजोरियां थी ना, खामियां थी, वो कमजोरियां भी उसने दूर की हैं, वो कमजोरियां भी दूर की हैं, असल तो कमजोरियां उसकी दूर की हैं, पहले उसको पकड़ा, उसको दबाया, उसके रिटर्न में पर बहुत कुछ माल ले लिया, ये आप मुझे बताएं। मैं अपने उन जवानों से, उन ऑफिसर्स से जो सितारे जुर्रत हैं और हयात हैं और निशान हैदर जो शहीद हैं, जिन्होंने कुर्बानियां वाकई कुर्बानियां दी इस धरती के लिए, अपना खून दिया है, ये उनके नाम पे इस तरह के जर्नैल कितना बड़ा धब्बा है। तो ये खुद फौज को चाहिए, पाक फौज है ना, पाक फौज को चाहिए कि अपने आप को खुद पाक करे और ऐसे एलिमेंट्स को निकाल दे, ऐसे एलिमेंट्स को इबरत का निशान बनाएं, ताकि जो नए ऑफिसर्स आने वाले हैं उनके दिलों में ऐसी गंदी ख्वाहिशात न पैदा हों। एक बात बता दूं मैं आपको, आने वाले वक्त में जिन जजेस ने करप्शन की है, जिन जर्नल्स ने करप्शन की है, दोनों जीम जो है, जिन जजेस ने, टाइकून्स ने किया, उनका भी कहना चाहिए, उनका एहतसाब होगा,
जिन जजेस ने करप्शन की है, जिन जनरल्स ने करप्शन की है, और हमें जो भी उनके बारे में जो मालूम नहीं है वैसे, लेकिन जो मेरी इतला है इनका इंसाफ होना ही होना है। मीडिया टाइकून और हमारे सहाफियों में जिन जिन ने किया है जितने सहाफी हैं, एंकर्स हैं, मेरे समेत सबके एसेट्स और उनके सोर्सेज ऑफ इनकम चेक करें कि एसेट बियॉन्ड मींस हैं कि नहीं है। नैब का काम सिर्फ ये तो नहीं कि सियासतदानों को पकड़े, ये जो बाकी पिलर बने हुए हैं स्टेट के, इनको भी पूछना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अफसार आलम साहब और हसन अयूब साहब। जो सबसे अहम बात है आपके लिए, मुझे एक आप अंदाज़ा कीजिए कि जनरल फैज़ हमीद हाजिर सर्विस DGC ISI होते हुए रेंजर्स को इस्तेमाल कर रहे थे, ISI को यूज़ कर रहे थे ज़मीनों के कब्जे लेने देने में और उसमें माल बनाने में, इस लेवल तक ओपन वो सब कुछ करते रहे, और फिर भी ना सिर्फ DGC रहे बल्कि प्रमोट होकर DGISI भी बने और फिर पूरी मुल्क की सियासत को तबाह करते रहे। हालांकि ऑलरेडी वो TLP बना के पूरी मुल्क की सियासत में एक नफ़रत और तकसीम का एक खौफनाक बीज बो गए थे, जो आज एक तनावर दरख्त है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।